तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 बेस्ट 150 सीसी बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप ये बाइक लेते हैं 2019 में तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती है, फुल पैसा वसूल बाइक हो सकती है। तो कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने गलत बाइक ले ली मेरे कहने से, लेकिन मेरे कहने से यदि आप ये बाइक लेते हैं तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती है। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी बाइक लें, लेकिन जो मैं सजेस्ट करता हूँ तो आप देख लें, आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं टॉप 5 बाइक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी ओवर प्राइस है बाइक, ओवर प्राइस है बट फुल पैसा वसूल बाइक है। तो चलिए इन्हीं के बारे में बात करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, MRD व्लॉग्स के नाम से मेरी यूजर आईडी है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे यदि कोई डाउट आपके तो आप DM कर सकते हैं मेरे को, तो वहाँ पे आपको जल्दी से रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो बाइक है वो है यामा की तरफ से। यामा की मैंने 2 से 3 बाइक ली है इस लिस्ट में। तो आप बोलोगे भैया यामा वालों ने ऐड करवाई है क्या आपके पास से? तो भाई कोई ऐड वैड के पैसे नहीं दी, कोई ऐड नहीं कराई मेरे पास से यार। यामा ना थोड़ी कॉस्टली बनाती है बाइक, बट दमदार बनाती है, अच्छी बाइक बनाती है, मतलब अच्छा प्रोडक्ट देती है यार। क्योंकि यामा की बाइक्स में सबसे पहले तो वाइब्रेशन बहुत कम होती है, उसी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी देती बाइक, और लुक के मामले में तो बात ही मत करो। तो सबसे नंबर 1 पे जो मैंने बाइक रखी है वो शायद आप लोगों को पता भी होगा, तो वो है यामा की R15 V3। सबसे अच्छी बाइक है, सबसे अलग लगती है 150 सीसी सेगमेंट में, क्योंकि इसको देख के कोई बता नहीं सकता कि ये 150 सीसी की बाइक है। क्योंकि यदि आप इसको 250 या फिर 200 सीसी की बाइक के बीच में भी लेके खड़े होते हैं तो आपको लगेगा नहीं कि मेरे पास छोटी बाइक है फिर, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छी बाइक है। बाइक में आपको 155 सीसी का इंजन मिलता है, F5 फ्यूल सिस्टम है इसमें, आपको पता है कार्बोरेटर वगैरह नहीं मिलता आपको इसमें। तो माइलेज जो है इसकी वो है 48 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर आपको इजीली मिल जाती है। सिटी में आपको 48 मिल जाती है, हाईवे पर आपको 50-55 भी मिल जाती है कई बार। तो टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड इसकी 150 प्लस जाती है, इजीली जाती है 155 तक मैंने देखी है, बाकी आप बताना आपने कितनी देखी। तो इसकी जो पावर है, पावर के मामले में सबसे अच्छी बाइक है, कोई भी बाइक नहीं करती इतनी ज़्यादा ऑफर पावर, मतलब इस सेगमेंट में 150 सीसी में सबसे ज़्यादा पावर यही देती है यही बाइक R15 V3 इंडिया में। बाकी बाहर तो है 150 CB, 150 RB है, उसमें 20 BHP पावर है, लेकिन इसमें आपको 19.3 BHP की पावर मिलती है। यदि आप कंपेयर करें और बाइक से तो काफ़ी ज़्यादा है इसकी पावर। तो इसका जो टॉर्क वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब पिकअप भी इस बाइक में काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको, कभी भी पावर की कमी फील नहीं होगी आपकी। चाहे आप 200 सीसी बाइक के साथ रेस लगाओ या किसी के साथ भी लगाओ, मैं सुपर बाइक की बात नहीं कर रहा, मैं 200 सीसी जैसे अपाचे 200 या फिर RS 200 इनके साथ यदि आप रेस वगैरह लगाते हैं तो आपको फील नहीं होगा कि मेरी बाइक में कम पावर है। तो इसलिए बाइक काफ़ी अच्छी मानी जाती है परफॉर्मेंस वाइज, और हर तरह से बाइक अच्छी है। बस इसमें एक दिक्कत है, आप लॉन्ग टूरिंग नहीं कर सकते, राइडर तो कर सकता है लेकिन पिलियन नहीं कर सकता, पिलियन को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी बाइक में कोई भी कमी नहीं है, बाइक लुक वाइज सबसे अच्छी लगती है मेरे को। तो यदि बात करूँ 150 सेगमेंट में तो मेरे को सबसे अच्छी बाइक लगती है लुक वाइज भी, और परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छी बाइक है। तो इसका प्राइस की बात करूँ तो एक्सशोरूम प्राइस है 1.40 लाख एक्सशोरूम दिल्ली। यदि बात करें ऑन रोड दिल्ली में क्या है ऑन रोड प्राइस, तो वो है इसका 1.62 लाख। इस बाइक में आपको ड्यूअल चैनल एबीएस मिलता है, तो यदि आप ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ लेते हैं तो शायद 162 to 165 तक जाती है बाइक। तो बाकी आप चेक कर लेना आपकी सिटी में क्या कुछ प्राइस है, आप डीलर से पता कर सकते हैं जाके शोरूम वगैरह में। तो नंबर 2nd पे जो हमने बाइक रखी है वो भी यामा की है, यामा की MT15। तो इसमें सेम इंजन मिलता है आपको R15 V3 वाला, कोई भी चेंज बैच नहीं की गई है, सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आपको वो तो फुल फेयरिंग मिलती है लेकिन आपको ये फुली नेकेड बाइक मिलती है। इसमें आप टूरिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी इजीली टूरिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको टूरिंग पे, क्योंकि जो उसका हैंडल है वो नीचे नहीं है, थोड़ा ऊपर करके दिया गया है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट मिलेगा। तो ये बाइक टूरिंग के लिए बनाई है खासकर, क्योंकि यामा की जो R15 है वो तो थी पहले से ही फुल फेयरिंग में, लेकिन ये सिर्फ टूरिंग पर्पज़ के लिए निकाली इन्होंने। तो इस बाइक में आपको पावर वगैरह सब कुछ सेम मिलता है, तो इसमें कुछ चेंजेस है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो इस बाइक में सबसे पहले जो चेंज किया गया है सबसे बड़ा, वो है इसका पूरा लुक, पूरा लुक चेंज कर दिया गया है, फुली नेकेड स्पोर्ट्स बाइक बना दी गई है। तो इस बाइक में आपको LED हेडलाइट मिलती है, हेडलाइट में आपको प्रोजेक्टर मिलता है जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, और साइड में आपको 2 LED DRL भी मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं नाइट में, यदि आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बाइक का लुक काफ़ी यूनिक है, यदि रोड पे लेके निकलते हैं आप तो आपको हर कोई, मतलब आई कैची लुक है बाइक का, यदि लेके निकलते हैं तो आपको हर कोई नोटिस करता है कि यार ये कौन सी बाइक है, क्योंकि अभी मार्केट में नई नई बाइक है। तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बाइक है, इससे आप रिएक्शन भी नोट कर सकते हैं क्योंकि हर कोई नोटिस करता है इस बाइक को। इस बाइक में सिंगल चैनल ABS मिलता है आपको, ड्यूअल चैनल ABS देना था कंपनी को बट पता नहीं क्यों नहीं दिया, लेकिन सिंगल चैनल ABS भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्राइस ओवर प्राइस्ड कर दिया गया है, उस वजह से थोड़ी कम चल रही है इंडियन मार्केट में। लेकिन जल्दी एक नया अपडेट आने वाला है जिसमें कि आपको प्राइस भी कम देखने को मिलेगी और काफ़ी सारे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे।
तो इस बाइक में आपको जो टॉप स्पीड वगैरह है, टॉप स्पीड आपको 140 प्लस मिलती है, R15 से कम है इसकी, क्योंकि वो फुल फेयरिंग बाइक है तो वो हाईवे पे थोड़ी पकड़ अच्छी बनाती है और उसकी टॉप स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलती, 140 प्लस ही मिलती है। इसमें आपको 51 की माइलेज इजीली मिलेगी, क्योंकि हमने माइलेज टेस्ट किया था, उसमें 51 की माइलेज मिली थी हमें, सिटी में मिली थी। तो आप वो वीडियो नहीं देखी आपने तो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो हमारी लिस्ट में आपको मिल जाएगी इजीली, तो वहाँ पे आप जाके इजीली चेक कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो लगभग सेम है R15 का और इसका, दोनों का सेम है लगभग, बस 2-3 हज़ार का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बात करें इसके ऑन रोड प्राइस, तो ऑन रोड इसका 1.60 लाख है जो कि दिल्ली में है, और एक्सशोरूम प्राइस इसका 1.36 लाख है, और जो R15 का एक्सशोरूम प्राइस था वो था 1.40 लाख। तो ये तो थी नंबर 2 पे हमारी बाइक, और जो नंबर 3 पे जो हमने बाइक रखी है वो है TVS की तरफ से। आप पता है TVS की अपाची RTR 164 भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है आज के टाइम में, और पहले भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, लेकिन 4V जब से आई है तब से और ज़्यादा सेलिंग बढ़ गई अपाची की, क्योंकि अपाचे का तो 200 4V है, तो उस जैसा पूरा लुक दे दिया गया है 164V में भी, और बाइक में पावर भी बढ़ा दी गई है, उसी के साथ साथ आपको ऑयल कूलिंग भी मिलती है। तो अभी इस बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बाइक का जो प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ, एक्स शोरूम प्राइस इस बाइक का है 98,000, ऑन रोड जो इसका प्राइस है वो है 1.15 लाख। ABS के वेरिएंट का, स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हैं तो उसका थोड़ा कम प्राइस आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको ABS वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है, तो उसका थोड़ा प्राइस कम पाएगा जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट है इसका। यदि आप जो बीच का जो वेरिएंट है इसका, जिसमें कि आपको रियर में भी डिस्क मिलता है, फ्रंट में भी डिस्क मिलता है, तो उसका प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसके 2-3 वेरिएंट है जो आप चेक कर सकते हैं इजीली जाके ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो इस बाइक में आपको 16.6 BHP की पावर मिलती है, उसी के साथ साथ बाइक में सिंगल चैनल ABS मिलता है, 5-speed गियरबॉक्स मिलता है आपको इस बाइक में, 159cc का इंजन मिलता है, जो कि FI में भी और कार्बोरेटर में भी आपके पास ऑप्शन है, FI में भी ले सकते हैं या फिर कार्बोरेटर में भी ले सकते हैं। तो इसकी जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो 45-50, लेकिन आपको 45 इजीली देखने को मिल जाती है इस बाइक में। टॉप स्पीड भी काफ़ी अच्छी है बाइक की, 130 प्लस इजीली जाती है बाइक, 132-133 तक देखी मैंने, बाकी आप बताना आपने कितनी तक भगाई या फिर कितनी तक देखी अभी तक वीडियो वगैरह में। तो ये बाइक भी काफ़ी अच्छी बाइक है, लुक भी काफ़ी अच्छा है बाइक में, LED लाइट नहीं दी गई है आपको, हेलोजन बल्ब दिया गया है, और आपको 2 LED DRL दिए जाते हैं, तो कि जो कि नाइट में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये नंबर 3 पे हमने बाइक रखी है। जो नंबर 4 पे जो बाइक रखी है वो फिर से यामा की तरफ से, यामा की FG V3, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी MT15 से कुछ दिन पहले। तो इस बाइक में आपको क्या कुछ मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस बाइक में आपको 149cc का इंजन मिलता है, उसी के साथ साथ आपको 13.2 BHP की पावर मिलती है, सिंगल चैनल ABS मिलता है आपको, ड्यूअल चैनल ABS नहीं मिलता, 50-60 की माइलेज आपको इजीली देखने को मिल जाएगी इस बाइक में। सिटी में यदि आप राइड करते हैं तो 45-50 की माइलेज आपको इजीली मिल जाएगी, और यदि आप हाईवे वगैरह पे राइड करते हैं, लॉन्ग राइड करते हैं, तो आपको 60 की इजीली मिल जाएगी, लिखवा लो मेरे से 60 की माइलेज, क्योंकि मेरे दोस्त के पास है, उसने 60 की माइलेज निकाली इस बाइक से। तो बाकी आप बताना आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा। तो मतलब आपको 60 की माइलेज मिल जाएगी इस बाइक से, जो कि काफ़ी अच्छी है यार। तो इस बाइक में आपको LED हेडलाइट मिलती है, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो वो ज़्यादा नहीं है इस बाइक की, क्योंकि ये बाइक टूरिंग के लिए बनी है और डेली कम्यूट के लिए बनी है। तो इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो है 115 प्लस, उससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन 120 से ऊपर शायद ही जाएगी बाइक, क्योंकि मैंने अभी तक चेक नहीं की इसकी टॉप स्पीड, लेकिन 0-100 तक का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है बाइक। तो इस बाइक का जो प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस 98,000 और ऑन रोड प्राइस इसका 1.15 लाख, बाकी आप चेक कर सकते हैं आपकी लोकेशन पे क्या प्राइस है। तो इस बाइक में जो सबसे खास बात मेरे को लगती है FG V3 में, तो वो है यार वाइब्रेशन नहीं बाइक में बिल्कुल भी, चाहे आप कितना ही थ्रोटल दो फील नहीं होगा, बॉडी में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। आपको हेडलाइट में थोड़ी सी वाइब्रेशन देखने को मिल सकती है, जो कि आप यदि हेलमेट वगैरह नहीं पहनते तो आपको थोड़ी सी महसूस होगी, बाकी आप यदि हेलमेट वगैरह पहनते हैं तो फिर आपको वो भी फील नहीं होगी। तो यदि आप अपाचे की बात करें, अपाचे जो ओल्ड वाली अपाचे है, तो उसमें इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है कि पूरी बाइक, मतलब ऐसे पूरी बाइक में वाइब्रेशन होती है, पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है, तो उसकी तरह नहीं है ये। 164V में भी काफ़ी कम की गई वाइब्रेशन, लेकिन है अभी भी उसमें, लेकिन इतनी नहीं है, काफ़ी रिफाइन किया गया उसका इंजन भी। तो इसी तरह FG V3 में काफ़ी रिफाइंड इंजन, तो इसमें आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगी, बॉडी में कोई वाइब्रेशन नहीं है, मेन तो बॉडी की होती है, बॉडी में वाइब्रेशन आती है तो फिर चलाने में कोई मज़ा ही नहीं है। तो इसमें बॉडी में आपको कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलती। तो नंबर 5th जो मैंने बाइक रखी है वो है होंडा की हॉर्नेट 160R। तो अभी इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बाइक में आपको 162cc का इंजन मिलता है, जो कि सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल इंजन मिलता है,
मिलता है आपको। तो इस बाइक में आपको कार्बोरेटर मिलता है, एफआई वगैरह नहीं मिलता। तो इस बाइक में आपको 15.6 bhp की पावर मिलती है, जो कि आपको पहले वाली टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 मिलती थी, उतनी आपको इसमें पावर मिलती है। और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, और इस बाइक में आपको एलईडी हेडलाइट दी जाती है, उसी के साथ साथ आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलते हैं, और बाइक में आपको माइलेज वगैरह अच्छी खासी मिल जाती है। 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको सिटी में इजीली देखने को मिल जाती है इस बाइक में। बाकी आपको हाईवे 55 तक भी देखने को मिल जाती है। 125 प्लस इसकी टॉप स्पीड है, बाकी आप चेक कर लेंगे, आपको लेनी है तो आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं यूट्यूब पे कितनी क्या टॉप स्पीड है इस बाइक की। यदि मैं बात करूँ इस बाइक के प्राइस की, तो प्राइस इसका एक शोरूम प्राइस है वो है 93,000 रुपीज़। इसका ऑन रोड प्राइस है वो है 1.11 लैक्स, जो कि एबीएस वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। नॉन एबीएस में तो शायद कम है, 1,05,000 कुछ प्राइस है उसका, लेकिन जो एबीएस वाले वेरिएंट है वही लेना आप, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेफ्टी मिलती है आपको। तो उसका प्राइस 1.11 लैक्स। तो ये कुछ बाइक्स थी जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। तो ये बाइक भैया सच में यदि आप लेते हैं तो वैल्यू फॉर मनी बाइक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे क्या होते हैं ना कि वो वीडियो वगैरह नहीं देखते, डायरेक्ट जाते हैं शोरूम में उठा लेते बाइक, लेकिन वो बाद में पछताते हैं क्योंकि उन्होंने पहले नॉलेज तो ली नहीं कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ लुक या मतलब लुक वगैरह देखते हैं, फिर अपने आसपास में देखते हैं कि कौन सी बाइक ज़्यादा चल रही है तो वो उठा लेते हैं उसी बाइक को। लेकिन आप यदि एक बार YouTube पर सर्च करते तो आपको ऐसी वीडियोस मिलती है जो कि मैं बना रहा हूँ ऐसी वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी पूरी डिटेल दी है कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए यदि आपको 150cc सेगमेंट में लेनी है। तो यदि आप इनमें से कोई भी बाइक लेते हैं तो भैया सच में आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मैंने गलत बाइक ले ली। तो इन 5 बाइक्स में से यदि आपने किसी एक का मन बना लिया है तो उसका एक बार रिव्यू देख लीजिए, यूट्यूब पे जाके रिव्यू देखो, अच्छे से सर्च करो, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा बाइक के बारे में। तो 5ों ही बाइक काफ़ी अच्छी है परफॉर्मेंस वाइज। तो प्राइस इन बाइक का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन भैया पैसा वसूल बाइक है, मैं फिर ये बोल रहा हूँ। तो बस यही था कुछ आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।